क्वेश्चन है, दो इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर्स हैं, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पे निकालना है, क्या होगा? चलो एक काम करते हैं, इनफाइनाइट वायर का फॉर्मूला क्या होता है, बी का म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई बाई आर। तो फर्स्ट वायर आई वन ए दूरी पे बी क्या लगाएगी, म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई वन बाई ए, और आई टू वायर यहाँ पर बी क्या लगाएगी, म्यू नॉट बाई फोर बाई टू आई टू बाई बी। डायरेक्शन देख लें, करंट ऐसे है तो थंब ऐसे है, पी पॉइंट पर डायरेक्शन कैसी होगी बी की, आउटसाइड, तो इसकी जगह आउटसाइड। फिर इस वायर को देखें, आई वन करंट ऐसे है तो डायरेक्शन ऑफ बी कैसी होगी, इनसाइड, ये रहा थंब करंट, इनसाइड, तो यहाँ पर इनसाइड, इनसाइड को कैसे लिखते हैं क्रॉस, आउट को कैसे लिखते हैं डॉट। अब एक वेक्टर आउट है एक इन है, नेट वेक्टर क्या होगा, बड़े वेक्टर में से छोटे वेक्टर को माइनस करना पड़ेगा। अब कैसे पता लगेगा बड़ा या छोटा, क्वेश्चन में गिवन है बी छोटा है, तो स्मॉल बी अगर छोटा है तो बी टू बड़ा है, तो बी टू में से बी वन की वैल्यू को क्या करेंगे, माइनस। तो जब माइनस करेंगे तो जो नेट आंसर आएगा वो भी आउटसाइड होगा, क्योंकि बी टू बड़ा है और बी वन छोटा है, तो नेट आंसर आउटसाइड ही मार्क करना है। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या रूल लगेगा इसमें, बी वन बी टू का मैग्नीट्यूड में तो स्ट्रेट अवे फॉर्मूला यूज करना है इनफाइनाइट वायर का, डायरेक्शन के लिए थंब रूल देखना है, इनसाइड आउटसाइड, और अगर एक वेक्टर इन एक आउट है तो नेट वेक्टर क्या होगा, दोनों वेक्टर को आपस में माइनस कर लेना है। जैसे ये रहा, एक करंट है 20 एम्पियर, एक वायर में करंट है 30 एम्पियर, डिस्टेंसेज गिवन है 10 10 10 और 10। आपको सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड निकालना है पी पे, फिर क्यू पे, फिर आर पे। चलो पी से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मुझे मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड बताओ। ये इनफाइनाइट वायर्स हैं, सब वायर्स इनफाइनाइट होती हैं अनलेस वो एंगल ना दे, तो इनफाइनाइट वायर है। इनफाइनाइट वायर के 10 सेंटीमीटर दूर बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू इंटू 20 डिवाइडेड बाई 10, ये रहा, मीटर में कन्वर्ट कर लेना, बी वन आ गया, और इसकी वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर बी टू क्या होगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू इंटू 30 डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तो बी वन बी टू का फॉर्मूला क्लियर है इनफाइनाइट वायर का। अब डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, करंट कहां पर है इसमें, ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड पी पॉइंट पर कैसे होगा, बाहर, थंब करंट के साथ बाहर, तो आउटसाइड। और यहां पे करंट कैसे है, नीचे, तो पी पॉइंट पर मेरे फिंगर्स, क्योंकि थंब नीचे है, पी पॉइंट पर फिंगर कैसे जाएंगी, इनसाइड, तो यहां पर क्या आएगा, इनसाइड। तो फिर बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को क्या कर देना है, माइनस, क्योंकि इसमें बी वन बड़ा है बी टू छोटा है, तो नेट आंसर भी कैसे आएगा, आउटसाइड। अब अगर सेम बात Q पॉइंट पे करते हैं, Q पॉइंट पर B का फॉर्मूला क्या होगा, पहले इनफाइनाइट वायर का म्यू नॉट बाई फोर बाई टू इंटू 20 बाई 10, और यहाँ पर भी म्यू नॉट बाई फोर बाई टू इंटू 30 बाई 10। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे करंट नीचे है, थंब नीचे है, तो यहाँ पर B कैसे होगा, इनसाइड, इनसाइड, क्लियर है। यहाँ पर करंट कैसे है, ऊपर है, तो B कैसे होगा, इनसाइड, ये देखो ना, थंब ऊपर है, इनसाइड, यहां पर करंट नीचे है तो फिंगर कैसे हैं, इनसाइड। दोनों अगर इन और इन है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड होंगे, कोई सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो नेट आंसर कैन बी कैलकुलेटेड, और नेट डायरेक्शन भी कैसी होगी, इनसाइड। तो समझ में आ रहा है ये पॉइंट कैसे काम करेगा, सारी गेम डायरेक्शन की ही है, बस फॉर्मूला तो एक यूज हो रहा है, ठीक है यहां तक। जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करेक्शन करो, इस क्वेश्चन में ये एक्स है, x है, ये r नहीं है, ये x है, तो आपको r निकालना है, जब x की वैल्यू कितने की बने, 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, एक वायर है जिसमें करंट i1 है, अंदर की तरफ है, एक और वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ है i2, और आपको क्या निकालना है, आपको r निकालना है, सच दैट नेट b की वैल्यू इसमें जीरो हो जाए। अब नेट b यहां पे तो जीरो हो नहीं सकता, भी डिस्कस किया था, नेट b यहां कहीं जीरो होगा x दूरी पे, तो क्यों जीरो होगा, क्योंकि इसमें करंट कैसे है, बाहर, और अगर करंट बाहर है तो मेरी फिंगर ऊपर घूमेगी यहाँ पे, तो नेट आई टू की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, ऊपर, है ना, करंट अगर बाहर है, थंब बाहर है, तो मेरी फिंगर ऊपर जाएंगी यहाँ पे, और अगर यहाँ पे करंट अगर अंदर है तो थंब इनसाइड है, तो मेरी फिंगर नीचे आएंगी, करंट ऐसे है तो मेरी फिंगर नीचे आएंगी, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन नीचे होगा, इसका कॉन्ट्रीब्यूशन ऊपर होगा। तो बी वन बी टू का फॉर्मूला तो आप निकाल ही लेंगे, इसकी वजह से
यहाँ पर बी का फॉर्मूला क्या लगेगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई टू बाई एक्स इनफाइनाइट वायर, और इसकी वजह से क्या लगेगा, म्यू नॉट बाई फोर पाई टू आई वन अपॉन आर प्लस एक्स। तो दोनों बी वन बी टू को इक्वेट कर लेंगे, आर निकालना है, एक्स गिवन है, आई वन आई टू पता है आंसर। तो आइडिया समझ में आ रहा है, सारी गेम डायरेक्शन की है, जो आज हमने रूल सीखा सब क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड है। जैसे सपोज करो आपको क्वेश्चन में आएगा एक स्क्वायर वायर है, ये स्क्वायर वायर, इस स्क्वायर वायर में आई करंट दौड़ रहा है हर वायर में, तो स्क्वायर की साइड टू ए टू ए टू ए टू ए, आपको नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालना है, इसके सेंटर पे निकालना है, सेंटर पे निकालना है। तो इसके अंदर ये एक वायर है और आपको यहाँ पे बी निकालना है, तो अगर ये डिस्टेंस टू ए है तो आधा डिस्टेंस ए है। अब क्योंकि इनफाइनाइट वायर का केस नहीं है, ये फाइनाइट वायर का केस है, फाइनाइट वायर के केस में हमने एक फॉर्मूला किया था, तो आज ही फॉर्मूला किया है। फाइनाइट वायर में अगर ये एंगल फाई टू और ये एंगल फाई वन, तो हमने एक फॉर्मूला किया था बी का, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डिवाइडेड बाय ए साइन ऑफ फाई वन साइन ऑफ फाई टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो अब क्योंकि वायर फाइनाइट है, एक एक करके शुरू करते हैं। पहले ये फाइनाइट वायर लेते हैं, इस फाइनाइट वायर से ए डिस्टेंस पे बी निकालना है, तो ये एंगल फाइव वन फाइव टू ऑटोमेटिकली क्या बनेंगे स्क्वायर में, 45 45, 90 का आधा 45 45, फाइव वन फाइव टू 45 45। तो बी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा, म्यू नॉट बाय फोर पाई आई डिवाइडेड बाय ए साइन 45 प्लस साइन 45। क्लियर है? फिर सेकेंड वायर लें, सेकेंड वायर का भी सेम है, सेकेंड वायर की वजह से यहाँ पे बी निकालना है, तो एंगल क्या बनेगा अगेन 45 45, तो म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई बाय ए, टू ए का आधा क्या होएगा ए साइन 45 साइन 45। तो यानी कि बी वन और बी टू एग्जैक्टली सेम है, रादर बी थ्री बी फोर भी सेम है, तो मैग्नीट्यूड में बी वन बी टू बी थ्री बी फोर एग्जैक्टली सेम आंसर देंगे, कोई डाउट इसमें? पर अपने को तो नेट भी निकालना है सेंटर पे, डायरेक्शन देखते हैं। सबसे पहले ये वायर बताओ, ये वन नंबर वायर में करंट नीचे जा रहा है, तो बताओ इसकी वजह से यहाँ पर जो बी होगा वो कैसे होगा, इनसाइड की आउटसाइड? आउट कैसे, थंब लें, करंट नीचे लें, मेरी चार फिंगर कैसे आ रही है, आउटसाइड, थंब नीचे आउटसाइड, तो आंसर क्या होगा आउटसाइड, राइट? अच्छा ये वायर बताएं, नीचे वाली वायर, इसकी वजह से यहाँ पर बी क्या होगा, इन की आउट, थंब लेना पड़ेगा, हाथ भी हिलाना पड़ सकता है, तो ये रहा और चार फिंगर आउटसाइड है, थंब चार फिंगर आउटसाइड है। अच्छा इसकी वजह से थंब आउटसाइड, इसकी वजह से आउटसाइड, चारों के चारों आउटसाइड, चारों का मैग्नीट्यूड सेम, तो फोर टाइम्स कर दो आंसर, आंसर 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 इज आउटसाइड, आउटसाइड मींस डॉट लगा देना। तो समझ में आ रहा है कैसे करने, कोई डाउट इसमें? सपोज ये एक वायर है, क्रॉस का मतलब करंट कैसे जा रहा है वायर के अंदर, ये एक वायर है, डॉट का मतलब करंट कैसे आ रहा है बाहर, इन दोनों वायर में दूरी कितनी है ए, और ये एक मिड पॉइंट है दोनों वायर्स का एट अ डिस्टेंस ऑफ आर, सच दैट ये एंगल 90 डिग्री है, आपको यहाँ पे बी निकालना है। अब इनफाइनाइट वायर है और करंट सब में सेम है, एक इनफाइनाइट वायर आर डिस्टेंस पे, आर आपको क्वेश्चन में गिवन है, गिवन सिर्फ ए है, आर तो निकालना पड़ेगा पाइथागोरस से, क्योंकि मेरे को पता है कि जो आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, तो वहाँ से आर की वैल्यू तो मैं एक ही फॉर्म में निकाल ही लूँगा। तो एक इनफाइनाइट वायर आर डिस्टेंस दूर बी क्या लगाएगी, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई डिवाइडेड बाय आर, और सेम ये भी सेम लगाएगी, म्यू नॉट बाय फोर पाई टू आई डिवाइडेड बाय आर, तो बी वन बी टू एग्जैक्टली सेम है, कोई डाउट इसमें? डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, इसमें करंट कैसे है बाहर। अब ये पॉइंट यहाँ पे है, तो सोचो मेरी चार फिंगर जब ऐसे घूमेंगी तो ये डॉटेड डॉटेड मेरी चार फिंगर ही तो हैं, थंब बाहर है, ये मेरी फिंगर्स हैं, आई ड्रॉ अ टेंजेंट, ये आया बी टू वेक्टर, देख रहे हो चार ये री थम, ये रहा चार फिंगर टेंजेंट। अब इधर देखो ये क्रॉस है, करंट कैसी है बोर्ड के अंदर, मेरी फिंगर्स ये री ड्रॉ अ टेंजेंट, तो एक बना मेरे पास बी वन वेक्टर, एक बना बी टू वेक्टर, आपस में एंगल 90 है, तो नेट आंसर यहाँ पर क्या बनने वाला है, अंडर रूट ऑफ बी वन स्क्वायर प्लस बी टू स्क्वायर, और नेट डायरेक्शन पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इन नेट एक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड निकल के आएगी।
तो आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है इसमें? तो सारी गेम सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन की है। तो जब हम अगली शीट्स करेंगे उसमें ऑब्वियसली ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप खुद ट्राई करेंगे और ऑप्शन मार्क करेंगे, तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है?